ये एवरेज की टाइप है कि इसमें जो कंबाइंड जैसे क्लास होगी या कोई ग्रुप होगा उसमें से एक बच्चा चला जाए, दो बच्चे चले जाएं, या कोई बच्चे वापस आ जाएं, और या पहले जाएं और फिर वापस आएं। तो पहले प्रश्न सोल्व करेंगे हम, यदि सिर्फ चले जाएं तो जो जाने वाले हैं वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन होगा कि 10 बच्चों की जो औसत है वो 20 है, यदि इसमें से एक बच्चा चला जाए तो बच्चे हो गए आपके यहाँ पे 9, तो औसत में एक की कमी हो जाती है। ये होगा आपका पहला प्रश्न। दूसरा है कि 10 बच्चों की जो औसत है वो 12 है, यदि एक बच्चा चला जाए तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्योंकि जो कंपेरेटिवली अब देखा जाए या तो आपकी एवरेज बच्चे के जाने से कम होगी और या आपकी एवरेज बच्चे के जाने से ज्यादा होगी। इसको जब हम सिंपल तरीके से निकालते हैं तो 10 बच्चों की औसत है आपकी 20, तो आपकी टोटल एज हो जाएगी इसमें 200। अब वो कहता है कि यदि एक बच्चा चला जाए तो बच्चे आपके बच गए यहाँ पे 9, औसत जो भी थी उसमें एक की कमी हो जाती है, तो औसत आपकी हो जाएगी यहाँ पे 19। अब 9 की मल्टीप्लाई जब 19 से करोगे तो 171। अब अगर देखें तो ये जो 200 है ये है 10 का सम, और जो 171 है ये है आपका 19 का सम, 9 का सम, सॉरी। अगर 9 बच्चों का जो औसत है वो 171 है, टोटल नंबर 171 होता है, और 10 बच्चों का होता है 200। यदि हम 10 बच्चों के सम में से 9 बच्चों का सम माइनस कर दें तो एक बच्चे का निकल जाएगा आपका बिल्कुल बाहर, तो इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना है आपको, 9 और 3, 23। तो जो 23 जो एज आई आपकी, वो जो एक बच्चा गया था उसकी एज होगी 23, सॉरी 29। अब हो सकता है कि जाने वाला जो बच्चा है उसके जाने से एज में हो जाए वृद्धि, तो भी सेम करना है आपको। ये 12 है एवरेज, 10 बच्चों की 120, और 9 बच्चों की जो एवरेज है वो होती है 13, एक बढ़ जाती है। तो अगर मैं देखता हूं 10 बच्चों का जोड़ 120 है और 9 बच्चों का जो जोड़ है वो है 13 एवरेज के हिसाब से 117 है, अगर इनका हम माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 3। इसका मतलब जो जाने वाला बच्चा था उसकी जो एज थी वो थी 3 ईयर। तो सामान्य ये दो ही प्रश्न है, लेकिन करने का ढंग दोनों का सेम है। पहले 10 का सम निकालो, फिर 9 का निकालो, दोनों का कर दो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाए उससे एवरेज कम होगी या ज्यादा होगी। ये था आपका जब एक ही बच्चा चला जाए। अब है यदि बच्चे 2, 3, 4 इससे ज्यादा अगर जाते हैं तो भी सेम क्वेश्चन करना है आपको, कि जैसे 10 बच्चों की एवरेज 20 है, यदि इसमें से 3 बच्चे चले जाएं तो आपकी एवरेज 5 बढ़ जाती है। तो 10 से इसको गुना करोगे 200, और इसको गुना करोगे तो 175, डिफरेंस करोगे तो आएगा आपका 25। अब जो 25 है वो 3 बच्चों का सम है, यहां से आप किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो यहां से सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि उन 3 बच्चों की एवरेज क्या है। तो यहां लिखेंगे 25/3। सम में सेम है, पहले सम निकालो फिर डिफरेंस करो बस, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी एवरेज निकालनी होगी। जैसे क्वेश्चन आपने जाने वाले के किए हैं सेम ऐसा ही होगा कि यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति या जो भी हमारा ग्रुप है उसमें से कोई चला जाए। जैसे 5 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज है 30 साल, यदि इसमें से
एक बच्चा और आ जाए। तो जो पहले ग्रुप था वो था 5 बच्चों का, अब है आपका ग्रुप 6 बच्चों का। तो एवरेज में वही 2 कंडीशन होंगी, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एवरेज में 2 की वृद्धि होती है, इसका मतलब 5 बच्चों का जो था वो सम था आपका 30 और 6 बच्चों का जो एवरेज वो होगा आपकी 32। तो यहां से इनका सम निकालेंगे फिर, तो ये होगा वही 150, 6 से करोगे 18 और 19। तो जो 5 बच्चे हैं उनका सम आया आपका जोड़ 150 और जो 6 बच्चे हैं उनका आया 192। अब इनका करेंगे डिफरेंस, तो 2 और 4, तो जो 42 है वो एक जो बच्चा आया था उसकी एज होगी आपकी 42। अगर इसमें आपको वेट कहा जाए तो जैसे 5 बच्चों का जो औसत वेट है वो 30 किलोग्राम है और एक बच्चे के आने से औसत में वृद्धि हो जाती है 2 किलोग्राम की, तो टोटल वही आएगा आपका 192 और डिफरेंस आएगा आपका 42। तो ये आपका केजी में आ जाएगा और अगर ये एज है तो आपकी एज ईयर्स में आ जाएगी। तो ये था आपका प्लस होने वाला। अगला हो सकता है कि इससे माइनस हो जाए। तो 6 बच्चे हैं जिनका औसत भार 10 किलोग्राम है, एक बच्चे के आ जाने से औसत भार में 1 की कमी हो जाती है। 1 की कमी होने का मतलब यहां पे होगा 9 किलोग्राम, 60, 63। अब 6 बच्चों का जो औसत टोटल भार है वो 60 है और 7 बच्चों का जो औसत टोटल भार है वो 63 है, तो डिफरेंस करोगे तो आपका आएगा 3 किलोग्राम। इसका मतलब जो आने वाला बच्चा है उसका जो भार था वो था 3 किलोग्राम। जैसे आपने यहाँ पे ज्यादा बच्चे थे माइनस किए या प्लस, वैसे यहाँ भी हो सकता है कि 4 बच्चे आ जाए, 5 आ जाए, बट उस अवस्था में भी आपसे सिर्फ एवरेज ही पूछ सकता है, आप सिंगल नंबर नहीं बता सकते। ये था आपका कि अगर कोई आ जाए तो। अब अगला टाइप है इसका कि जाके आना, मीन्स पहले कोई बच्चा आपके ग्रुप से चला जाए और उसके बाद कोई बच्चा दूसरा आ जाए। जैसे किसी परिवार में एक व्यक्ति की डेथ हो जाए और उसके बाद में एक बच्चा पैदा हो जाए, तो काउंटिंग आपकी सेम रहेगी बट एवरेज में उसका बदलाव हो जाएगा। जैसे 10 नंबर हैं उनकी एवरेज आपकी 10 है। यदि इसमें से एक व्यक्ति चला जाए तो 9 और इसके स्थान पर एक व्यक्ति वापस आ जाए, तो जो काउंटिंग है वो आपकी 10 की 10 ही रहेगी, लेकिन एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो एवरेज 1 बढ़ जाती है या एवरेज 1 कम हो जाती है, वो दोनों ही अवस्था में दोनों पर्सन सेम रहेंगे आपकी। तो अगर इन 10 का सम निकालेंगे तो आपका 100 है और यहां से निकालेंगे तो 110, डिफरेंस वही 10 है। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो 10 ज्यादा है। जो व्यक्ति गया था उसका जो भार था या एज थी उसकी अपेक्षा देखा जाए तो वो 10 ज्यादा होगा। मान लो कि 10 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज वेट 10 किलोग्राम है, एक बच्चे के जाने और उसके स्थान पर दूसरे के आने से एवरेज 11 हो जाती है या 1 बढ़ जाती है, तो उसका जो वृद्धि हुई है वो है 10 किलोग्राम। इसका मतलब आने वाला जो बच्चा है वो 10 किलोग्राम ज्यादा आया है जो कि पहले गया था। इसी अवस्था में अगर हम यहाँ पे कमी करें तो 10 बच्चों का है जो वो 10 है, टोटल 100, एक बच्चे के जाने और उसके स्थान पर दूसरे के आने से, तो वहीं आपका 10 होगा। बट एवरेज में 1 की कमी हो जाती है या 2 की कमी हो जाती है, अगर हम यहाँ 2 की कमी करें तो 80, डिफरेंस आपका 20 होगा। अगर ये डिफरेंस ऐसे कम आएगा इसका मतलब जो आने वाला है वो 20 किलोग्राम कम वजन का था। तो ये आपके क्वेश्चन स्थिति, जाना, आना और जाके आना। इससे अगली टाइप है आपकी,
जब हम एवरेज निकालते हैं तो आपको टोटल नंबर दिए जाएंगे, एवरेज दिए जाएंगे, और अब जो वृद्धि होगी या कमी होगी वो एवरी नंबर में होगी, ईच नंबर। जैसे कि 10 नंबर का औसत 20 है। अब यहां से टाइप है इसकी पहली, यदि सभी संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी जाए या सभी संख्याओं में 3 की कमी कर दी जाए या सभी संख्याओं को 2 से भाग दे दिया जाए या सभी संख्याओं को 3 से गुना कर दिया जाए, तो ये आपकी चार टाइप बनेंगी इसमें एक के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि 10 नंबर का औसत 20 है, इसका मतलब प्रत्येक के पास 20 रुपए है। मान लो कि 10 बच्चे हैं जिनका जो औसत है वो 20 रुपए है। यदि हम प्रत्येक बच्चे को 5 रुपए दे दें तो ये हमने औसत में ही पैसे दिए हैं, तो जो क्रियाएं इसने यहां की हैं वो हम डायरेक्टली औसत के साथ कर देते हैं। 5 की वृद्धि होने पर आपका औसत आ जाएगा 20 प्लस 5, 25। 3 की कमी कर दी जाए तो ये आपका आएगा 20 माइनस में 3, 17। 2 से भाग दे दिया जाए तो 20 माइनस सॉरी डिवाइड बाई 2, ये आपका आएगा 10। 3 से गुना कर दिया जाए तो 20 मल्टीप्लाई 3 बराबर है 60। तो आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। यदि हम ईच नंबर की एवरेज करें, अगर इस पर्सन को ध्यान से देखें, मान लो कोई भी संख्या है आपकी 20, 30, 40 और 50, यदि हम इनका औसत निकालें, यदि वो कहे कि अगर सभी में हम 5 की वृद्धि कर दें, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, तो जो ये हमने वृद्धि की है ये की है आपकी औसतन वृद्धि, ये पहले से ही औसत है 5 5 5, तो इसीलिए हमने इसमें किया था एवरेज प्लस में एडिशन। अगर यहाँ पे वो सभी से -5 करता है, -3 -3 -3 एंड -3, तो उसने पहले से ही ये एवरेज में माइनस किए हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी आपकी एवरेज दी जाएगी उसी के साथ ही ये बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे। अगर वृद्धि है तो प्लस करो, कमी है तो माइनस, डिवाइड कर रखा है तो डिवाइड, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब कंडीशन आती है कि यदि वो इन सभी नंबरों में ना देके, ये इसकी अगली टाइप है, यदि वो सभी संख्याओं के साथ ऐसा ना करके और सिर्फ किसी एक संख्या के साथ ऐसा करता है, जब हम किसी एक संख्या के साथ ऐसा करेंगे, मान लो इसमें हमने 10 की वृद्धि कर दी, तो अगर हम एक संख्या को 10 बढ़ाते हैं तो ये जो 10 नंबर है ये सभी में डिवाइड होगा। तो इसके लिए अगर हम शॉर्टकट निकालें तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा एवरेज प्लस जो भी नंबर प्लस किया है उसकी एवरेज, या तो ऐसे करो इसको, तो मान लीजिए हमारा संख्या था जो कि 10 संख्याओं की जो एवरेज थी वो 20 नंबर थी, तो आपकी एवरेज आई 20। उसने कहा यदि हम किसी एक नंबर में 20 10 की वृद्धि कर दें तो हम सिर्फ 10 की एवरेज निकालेंगे, तो 10 बाई 10 ये आपका आ जाएगा 1, तो ये 20 प्लस 1 बराबर होता है 21, तो आपकी औसत जो है वो आ जाएगी 21। या तो हम वृद्धि की या कमी की, अगर यहाँ कमी होता तो हम इसमें से माइनस कर देते 1, और अगर इसको हम पहले वाले फॉर्मूले से ही सोल्व करें तो पहले टोटल निकालेंगे कि 10 नंबर की एवरेज है 20। अब क्या किया उसने, एक संख्या को 10 बढ़ा दिया, तो यही कर दो प्लस 10,
और दोबारा निकाल दो एवरेज। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपल तरीके से करो जो पहले हमने किया है, या पहले जो नंबर हमने प्लस किया है उसी की एवरेज सब में कर दो। अब ये जो नंबर आपको दिया गया था, ये था सिंगल में, बट अगर यही कंडीशन दो या तीन नंबर के साथ की जाए कि एक नंबर को हमने 10 बढ़ाया, 20 बढ़ाया सॉरी, एक को हमने 30 बढ़ाया, एक को हमने 40 बढ़ाया, तो या तो इन सभी को यहां ऐड करें या इन सभी के सम की औसत निकालें और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो इन सब को जोड़ के 90, इसकी एवरेज निकालेंगे 10, तो 9 एवरेज होगी, और इसको ऐड कर देंगे आप सीधा 29। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये दो ही टाइप है इसकी। या तो आपको कहेगा इन ईच नंबर के एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20, इफ वी ऐड 5 ईच नंबर, वी सब्ट्रैक्ट 3 ईच नंबर, वी डिवाइड 2 ईच नंबर, या वी मल्टीप्लाई बाई 3 ईच नंबर। तो इन कंडीशन में आप सिर्फ इन सब को एवरेज के साथ करेंगे, और यदि वो ये कहे कि किसी एक नंबर के साथ ऐसा किया जाए तो या तो उस नंबर को पहले सब में ऐड करो फिर एवरेज निकालो, या सिर्फ उसी नंबर की एवरेज निकाल के प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस।